और पेश भी नहीं हो सका और इस तरह जो है ना देरी के अदम एतमाद नाकाम हो गई। जी अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल हमने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा हमें 8 वोट मिले, 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले। हमारा मकसद ये नहीं कि ये तहरीक कामयाब होती नहीं, क्योंकि हम आज वो चीज़ टेबल करने जा रहे हैं जो हमारे साथ साथ बलूचिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब दे देगा। मेरे ख्याल आज आपको जवाब मिल चुके होंगे कि आज कोरम किसने पिन पॉइंट किया, किस जमात ने, आज अदम एतमाद की तहरीक को टेबल करने के लिए, वोट तो बहुत दूर की बात है, टेबल करने की जब रेजोल्यूशन फेल हुई तो उस पर डस्ट किस किस जमातों ने बचाई, किस हुकूमत को बचाई गई, उस हुकूमत को बचाई गई जिसके हवाले से हर आदमी कहते हैं कि ये कोई हुकूमत नहीं है, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है। तो आज हमने, मैं भी, मुझे यहाँ आते आते एक बात याद आ गई, करबला का जो वाकया हुआ था, करबला के वाकये में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को या फैमिली को कोई जंग नहीं जीतने थी, उनको पता था हमारी तादाद बड़ी कम है, लेकिन उन्होंने ये बताना था कि यजीदी कौन कौन लोग हैं, हक की तरफ कौन है, झूठ की तरफ कौन है, मुनाफिकत के अंदर कौन है, सच्चाई की तरफ कौन है, वरना उनकी तादाद बहुत कम थी। एक हाकिम वक्त के साथ लड़ना उनको भी पता था बड़ा मुश्किल होगा। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें पता है हमारा नंबर गेम पहले से कम है, लेकिन हम उन लोगों को सवालात अभी आपके मीडिया के थ्रू ज़रा उनसे पूछना, आप लोग चाहें कि जी आपके मौक़िफ क्या थे और आज आपके मौक़िफों का रिजल्ट क्या निकला। अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात जिनने दस्तखत किए और नहीं आए ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है और यकीनी तौर पर वो उसका जवाब खुद देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने दोस्त हमारे साथ आज खड़े थे, बावजूद इसके कि बहुत सारा प्रेशर तक खड़े रहे, सियासत का हिस्सा है, आज हमने टेबल किया है, हम बाद में भी टेबल करेंगे। मिसकैलकुलेशन, सियासी बसीरत की कमी, इस तरह की बहुत से पॉइंट्स उठ रहे हैं सर। आपकी देर पहले, एक घंटे पहले आपने किसी ने कहा था कि शायद आप लोग ने होमवर्क नहीं किया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसमें होमवर्क की बात ही नहीं है। होमवर्क उस वक्त दिया जाता है जब आपने अपना जहन बना लिया हो कि हमने इख्तदार हासिल करना है, क्योंकि वो आदमी होमवर्क करता है जिसको इख्तदार हासिल करना है और नहीं मिलेगा तो छोड़ दो होमवर्क। हम वो नलायक स्टूडेंट नहीं है जो किसी मकसद के लिए होमवर्क कर लें और फिर बाद में ना करें। हमें पता था, हमें जाहिर करनी थी बहुत सारी चीज़ें और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल हमने हिस्ट्री के अंदर एक मौक़िफ़ आज पेश करना था कि हम एक नालायक, एक करप्ट, नौकरी बेचने वाले, कमीशन खोरी, बैड गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत के खिलाफ हमने एक आवाज़ उठाई जिसमें अपोजिशन की जमातें भी हमारे साथ हाँ में हाँ कहती थी। हमने अपना रोल प्ले किया, आज उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं।